और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी के साथ हादसा हुआ है। ये घटना बीती रात हुई। इस हादसे में पुलिस के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये हादसा किशनगंज से पटना लौटते वक्त हुआ। हम आपको बता दें कि ये जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त काफिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं थे, लेकिन आपको बता दें कि इस काफिले में 4 जवान जो हैं वो जख्मी हो गए हैं इस घटना में। आपको बता दें कि ये घटना किशनगंज से पटना लौटते वक्त हुई। सुपौल के पास NH 57 पर ट्रक को ओवरटेक करते समय गाड़ी पलट गई, जिसमें कि 4 जवान जख्मी हो गए, घायल हो गए हैं। सीएम के काफिले में शामिल ये 4 जवान थे। अचानक लगा दिया वो ऊपर, कहाँ पे लगा दिया हमको तो मालूम ही नहीं चला, हम लोग तो पीछे देख रहे थे। कौन चीज से आ रहे थे? आपने आप उसके ऊपर चढ़ा दिया। गाड़ी से आ रहे थे? किस गाड़ी से? वो हम लोग का स्कॉर्ट 2। सीताराम अधिकारी। टोटल कुल कितने लोग घायल हुए हैं? हम लोग पीछे बैठने वाला सभी 4 आदमी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग सीएम के टारगेट किशनगंज से लौट के आ रहे थे, साफ प्रोग्राम खत्म करके। संवाददाता सुजीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, और क्या कुछ खबर, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, ये कल नीतीश कुमार दौरे पे थे सुपौल, कटिहार और किशनगंज की, और ये सुपौल गए थे, सुपौल से फिर कटिहार गए हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर से फिर किशनगंज गए, वहाँ से पटना आ गए। लेकिन उनका जो काफिला था वो बाई रोड आ रहा था, और बाई रोड आने के दौरान ये महासेतु, कोसी का जो महासेतु है वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए, उनका इलाज वहीं के स्थानीय अस्पताल में किया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।